चंद्रशेखर भाई का काफिला है, सुन लीजिए सब लोग सुन लीजिए, ये काफिला चंद्रशेखर भाई का है। बहुजन समाज आज इनके साथ है, कोई संगठन का नाम नहीं है, ये नहीं है कि भीम आर्मी अकेली बंद कर रही है, लेकिन पूरे बहुजन समाज ने आज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भाई को अपना लीडर चुना है, उनके हाथ में ये नेतृत्व दिया है और उन्होंने भी पूरे साहस और पूरे जिम्मेदारी के साथ इस लीडरशिप को निभाया है। जो लोग गद्दार बोलते थे, जो लोग कहते थे कि हम लोग मंदिर बनाएंगे सड़कों पर आकर, उनका कहीं अता पता नहीं है, कुछ फर्जी लोग भीम आर्मी को रजिस्टर कराए फिर रहे थे, वो चोर लोग उनका भी कुछ पता नहीं है। तो साथियों, उन समाज के गद्दारों से बचो और चंद्रशेखर भाई को पहचानो, उनके साथ तन मन धन और कंधा तक कंधा मिलाकर के चले, तभी समाज का भला होगा। बहुजन समाज आज अगर ताकत में है, अगर बहुजन समाज को सम्मान चाहते हैं, तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के साथ रहे। पूरा समाज चंद्रशेखर भाई के आदेश के साथ है, जिस तरह से भी मंदिर बनाना पड़े, जिस तरह से भी किसी भी तरह की जरूरत पड़ी, रविदास जी का मंदिर तो वहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर हमारे लोगों को गुमराह मत कीजिए, हमें डराओ मत, हम डरने वाले लोग नहीं है, दिल्ली की पुलिस नहीं, पूरे देश की पुलिस लगा दीजिए आप, आर्मी CRPF सब कुछ लगा दिए, CIF लगा दीजिए, लेकिन भीम आर्मी अब रुकेगी नहीं। इस देश में जितना अधिकार आपका है, जितना अधिकार सवर्ण का है, जितना अधिकार उन मनुवादियों का है, उतना ही अधिकार हमारा है, बहुजन समाज का है, जबकि ये देश हमारा है और हमारा अधिकार यहाँ ज़्यादा है। तो साथियों, जगह हमारी, मंदिर हमारा, राज हमारा आने वाला है, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े रहे, लगातार पोस्ट को शेयर करते रहे, लाइव को शेयर करते रहे, जिससे कि आगे जा कर के शासन प्रशासन हमारे साथ कोई अनहोनी ना कर दे, कुछ गलत ना कर दे। साथियों, मंदिर, ये मुद्दा मंदिर का ही नहीं, 30 करोड़ 25 करोड़ लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस तरह से मंदिर को एक ही रात में जजमेंट पास करके तोड़ दिया गया, तो कहीं ना कहीं हमारे जज्बातों के साथ हमारे खिलवाड़ किया गया है, हमारे साथ लोगों ने खिलवाड़ किया है। हम लोग किसी भी सूरत में इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय भीम, जय भीम, हमारे लगातार पूरी दिल्ली को बंद करने का काम आज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर द्वारा किया गया है। बहुजन समाज ने उन्हें अपना लीडर मान लिया है, बहुजन समाज का नेतृत्व कर रहे हैं चंद्रशेखर भाई, और पूरा समाज उनके साथ इस नेतृत्व में उनके साथ है इस आंदोलन में। किस तरह से सत्संग कर करके हम लोग चंद्रशेखर भाई के साथ मंदिर बनाने के लिए तुगलकाबाद पहुंच रहे हैं। अभी हम 20 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके यहां पहुंचे हैं। ये ओखला NSIC मेट्रो स्टेशन है और यहां से आगे का सफर भी 6 किलोमीटर का पैदल ही तय किया जाएगा। जब तक मंदिर वापस नहीं लाया जाएगा, मंदिर नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये आंदोलन अब जारी रहेगा। यहाँ से हम मिलने वाले नहीं हैं, हम जाने वाले नहीं हैं, हम बहुसंख्यक लोग हैं, हम बहुजन समाज के लोग हैं। इस देश में हमेशा से हमारे ऊपर शोषण हुआ है और शांतिपूर्वक तरीके से हम लोगों ने उसका विरोध किया है, लेकिन आज समय शांतिपूर्वक रहने का नहीं है, आज विषय और समय है हम लोगों को अपनी ताकत दिखाने का। जिस तरह से मनुवादी लोग, सवर्ण लोग, RSS के गुंडे कम संख्या होते हुए भी अपने फैसलों को मनवा लेते हैं, आज हम इतनी संख्या में होने के बावजूद भी अपना फैसला नहीं मनवा पा रहे थे, लेकिन सरकार को और देश के मनुवादी लोगों को लोहा मनवाने वाले बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारे साथ है, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथियों, हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, मंदिर तो हम बना के रहेंगे, हम लोग जाने वाले नहीं हैं, हम लोग हटने वाले नहीं हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, मंदिर तो वहीं बनेगा। आप खुद देख सकते हैं कि कहां तक, कितनी दूर तक लोगों का काफिला आ रहा है, कितनी बड़ी संख्या में समाज एक हो रहा है। कुछ गद्दार समाज को तोड़ने का काम कर रहे थे, उन गद्दारों को देखे, अमित शाह के पोस्टर को कितना क्रोध है, तोड़ने दो, कितना क्रोध है इस भ्रष्टाचारी मोदी सरकार को, अमित शाह के पोस्टर को, समाज के
साथियों ने तोड़ने का काम किया है। मोदी मोदी योगी मोदी अमित शाह कान खोल कर सुन ले, ये देख ले कि अब तुम्हारा अंत है। अगर हमारे लोगों का शोषण होगा, हमारे ऊपर अत्याचार किया जाएगा तो अब तुम्हारा यही हाल होगा। अरे वहाँ तक पहुँच नहीं दी थी भाई, 19 के कार्यक्रम में सीधे ये पानी फेल हुई है, वरना चुपचाप जाते 100 लौंडे जाकर पूरे रहते क्या कार्यक्रम में तुम आ जाते। हेलो गुलाब भाई आ ही रहे अभी रास्ते में, लाइव देख लो। परसों आ रहे, रास्ते में 6 किलोमीटर रह गए जी। देखिए साथियों किस तरह से क्रोध है इस मनुवादी सरकार के खिलाफ हमारे लोगों में। मोदी सरकार ने आखिर इस तरह का जो फैसला लिया था वो हमारे खिलाफ था, हमारे लोगों की भावना को ठेस पहुंचाई गई और ये उखाड़ दिया मोदी का बैनर। हाँ 6 किलोमीटर है, सब तक आ जाओ, सब तक आ। मोदी योगी अमित शाह कान खोल कर ये सुन ले, मोदी को फाड़, मोदी को फाड़ के हमारे हमारे मंदिर को तोड़कर तुमने हमारे लोगों के ऊपर भावनाओं को जो ठेस पहुंचाई है, अब हमारे लोग तुम्हारे बैनर तक इस दिल्ली से उखाड़ के रहेंगे। तुम्हारी इतनी औकात नहीं, तुम अपने बैनर तक इस दिल्ली में लगा लो। सरकार तुम्हारी, राज तुम्हारा, दस्तोरदार तुम्हारा, कुछ नहीं दिखने का। तुम लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं, बहुत दूर है वो दिखने का। कुछ नहीं होने का, मानोगे ना कंपोस्ट चेंज करोगे। ये तो लाइव ही चल रही है, ये तो लाइव ही चल रही है, बना रहे हो वीडियो। अगर उन्हें कुछ करना होगा तो इन्हें लाइव मतलब डिटेन करेंगे। तुम्हें पता ना क्या हो रहा है, बस हमें पता होना चाहिए। डर क्यों रहे, दुश्मनी होगी डाल देंगे हमारे। ये भाई मान ना रहे, नहीं तुम आना तो भीड़ हो रही है, हम मंदिर में ही जा रहे हैं और इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि सोच नहीं सकते। अब तुम तो झूठ बोल के चले गए कि मुझे मिले नहीं। यार सबको पता कहाँ है, कहाँ हो रहा प्रोग्राम, कैसी बात कर रहे हो। अब मंदिर में जा रहे पैदल, बड़ी मात्रा में चंद्रशेखर भाई का विनय रतन जी के साथ ये काफिला चल दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं इसमें। अगर इनका आदेश होगा तो मंदिर हम ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की और मंदिर आज ही बना देंगे, लेकिन जब तक आदेश इनका होगा तभी कुछ किया जाएगा। साथियों बड़ी 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 ताकत के साथ इस आंदोलन को पूरा किया जाएगा। मोदी का एक भी बैनर ना छोटो पाड़ो इसे। पाड़ो पाड़ो ओ पाड़ो, मोदी का एक भी बैनर ना छोटो पाड़ो नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।